फोन कर दीजिए हो सकता है। सबसे पहले तो मैं उन मुट्ठी भर लोगों का आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने सबसे पहले इस मुहिम को शुरू किया। बहुत शुरू में मैं गई थी गुंगारा, जो नई सीएचसी बनी हुई है उस पूरी को देखा था, उसका वीडियो भी बनाया था, एकदम तैयार है और उसके ताले लगे हुए हैं। चाबी लेकर के हम लोगों ने वो खोली और अंदर से उसका हमने निरीक्षण किया। शुरू में मुट्ठी भर लोग थे, ऐसे ताने भी मारे जाते थे कि इनके साथ कोई नहीं है। मैंने एक पोस्ट डाली थी, उस पर कई लोगों ने लिखा कि इसमें गांव का कोई आदमी दिखाई नहीं दे रहा है, गांव के लोग इसमें साथ नहीं हैं। आज देख लीजिए, अच्छी तरह देख लीजिए, पूरा गांव एक राय होकर के यहाँ सामने बैठा। कोई कारण समझ में नहीं आता, 13 महीने पहले उसका लोकार्पण हो चुका। यदि कुछ कमी थी, शुरू नहीं कर सकते थे तो लोकार्पण कैसे हुआ? वो भवन पूरा बना हुआ है, 13 महीने हो गए। हमने कोई 15 दिन बाद शुरू नहीं किया आंदोलन, महीने बाद भी नहीं किया, 6 महीने बाद भी नहीं किया, लेकिन अब 1 साल से ज्यादा हो चुका। अब इसके ऊपर सब स्पष्टीकरण दिए जा रहे हैं। 2013 में ऐसा हुआ था, 13 में ऐसा हुआ था, 13.5 में ऐसा हुआ था, 15 में ऐसा हुआ था। कोई मतलब नहीं है इन स्पष्टीकरणों का। जनता का पैसा है ये, 5.5 करोड़ रुपया जो लगा है वो जनता का पैसा है, किसी नेता का पैसा नहीं है। माचिस भी खरीदते हैं तो टैक्स लगता है, साबुन भी खरीदते हैं तो टैक्स लगता है, 10 रुपए की चीज पे भी टैक्स लगता है। हम अपनी कमाई से पैसा देते हैं, हमारी कमाई का 5.25 करोड़ रुपया गुंडारा में लगा पड़ा है और वो ताले में बंद है। कितनी छोटी सी जर्जर बिल्डिंग है, उसमें सब बैठे रहते हैं। 100 का ओपीडी है वहाँ आज भी। यदि उस बिल्डिंग में हॉस्पिटल शिफ्ट होता है, वहाँ डिलीवरी होती है, वहाँ ऑपरेशन हो सकते हैं, पूरा बना हुआ है। इस बात का जवाब आज 10-12 दिन से वहाँ आंदोलन चल रहा है प्रशासन की तरफ से। 22 दिन हो गए, 22 दिन से आंदोलन चल रहा है जिला प्रशासन की तरफ से, स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। एक प्रेस विज्ञप्ति भी नहीं आई है स्पष्टीकरण देने के लिए कि इस मुद्दे को हम सीरियसली ले रहे हैं, इस मुद्दे को हम हल कर रहे हैं। अफसर तो सारे इस सरकार में हालत ये है कि अफसर तो कठपुतलियां बने हुए हैं, जैसे ऊपर से धागे नचाए जाते हैं वैसे नाचते रहते हैं। 22 दिन में सरकार के जिम्मेवार अफसरों की ड्यूटी थी कि एक सही मांग को लेकर जब आंदोलन चल रहा है तो घटना स्थल पर जाना चाहिए, उनकी मांगे सुननी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि इसमें ये दिक्कत है और हम शुरू कर देंगे। लेकिन समस्या ये है, बात इसलिए नहीं करते क्योंकि इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। गलती पे कान पकड़ने की स्थिति है इनकी और कान ये पकड़ना नहीं चाहते, लेकिन हम लोग आने वाले समय में इनसे कान पकड़वा देंगे। जिस तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग कर दिया, जनता की मांग की कोई परवाह नहीं। हवन किया जाता था वहाँ, हवन तो ईश्वर के नाम पर होता है। हम लोग भी वहाँ गए थे, हमने भी आहुतियाँ डाली, उस हवन कुंड को भी उठा कर ले गए। जो भी ले गए थे, जो इस आंदोलन के खिलाफ को मैं कहना चाहती हूँ, इस हवन कुंड के शाप से आप चल करके भाग हो जाएंगे। इसलिए सब लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं और सबकी चेतावनी है कि इस मुद्दे को गंभीरता से लिया जाए और हमें जवाब दिया जाए कि क्यों 13 महीने से 5.25 करोड़ का भवन बंद पड़ा है। इसका मतलब उस गांव के लोगों को, उसके आसपास के लोगों ने, उन्हें प्रशासन ने तो यूं ही समझ लिया, उनकी कोई परवाह नहीं, उनकी कोई चिंता नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है कि उनका कोई भय नहीं है प्रशासन को। हम लोग बता देना चाहते हैं, सीएचसी शुरू करनी पड़ेगी, जितना जल्दी शुरू करते हैं उतना आपकी बात रह जाएगी, आप ही कम दुख पाएंगे और हम लोग। लेकिन ये जो संघर्ष का वातावरण बन चुका
नहीं करेंगे। कड़े शब्दों में सबकी तरफ से प्रशासन को चेतावनी है, प्रशासन आज ही हमें जवाब दे। लोकार्पण हो चुका है, अब औपचारिकता भी बाकी नहीं है। आज शाम को ही उसके ताले खोल करके प्रशासन चाहे तो उसमें सामान रखवा सकता है, और अगर लंबे समय नहीं रखेंगे तो किसी दिन ये नौबत भी आ सकती है कि ये सब लोग जाएं और सीएससी का सामान वहां रख दें। आप सब लोगों ने जिन्होंने इस संघर्ष की शुरुआत की उन सब लोगों का मैं आभार व्यक्त करती हूँ। गलत का विरोध करना भी चाहिए, पाप का विरोध करना चाहिए, अन्याय का विरोध करना चाहिए, बुराई का विरोध करना चाहिए। एक बार